हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। होप सो आप सब बढ़िया होगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश हुई है, गर्मी फिर दोबारा हो गई है। इतनी चिप 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 हो गई क्योंकि दाढ़ी तक सेट नहीं हो रही है। बिस्मन अभी ट्यूशन से आई है, बिस्मन के लिए हमने नया अम्ब्रेला परचेज किया है गाइस, क्योंकि बारिश आ रही है। अम्ब्रेला कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जब बारिश आएगी सड़कों में पानी भर जाएगा, तो गाड़ी इसकी कैब कैसे जाएगी स्कूल? तो फिर छुट्टी भी हो सकती है गाइस, छुट्टी भी हो सकती है क्योंकि बिस्मन जाती है ओला कुआं। उसके जो पुल है, पुल के नीचे पानी भर जाता है, पानी भर जाएगा तो इनकी गाड़ी कैसे जाएगी? टायर गाड़ी बंद ही हो जाएगी, आप सब गीले हो जाएंगे, बूट लेके नहीं जाएंगे। तो गाइस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कि शताब्दी बना रहे हैं रोड पंजाब में, तो मैंने भी कुछ ऐसा सोचा कि मैं भी कुछ सामान तो मैं ले आया हूँ, तो ट्राई करते हैं बनाने की, हमसे बनती है नहीं बनती। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामान कहाँ है हमारा। ये नहीं है यार। तो गाइस ये हमारे पास लंगड़ी छोटा ही कहते थे पहले या जो भी है, तो ये हमारे पास पड़ा था, ये हमारे पास है सामान, मैं ले आया था सामान ये रहा। पर इसके लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, वो चाहिए हमें दूध। दूध भी चाहिए है, तो दूध है नहीं घर पे अभी, गर्मी बहुत है, ध्यान रहा नहीं लाना, तो मैं दूध ले आता। और क्या चाहिए होता है, चलो देखते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी हम डालते रहेंगे। तो इसको हम लेके चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है। आओ गाइस, गाइस ये देख, क्या कर रहे हो मम्मा? मैं कल ना स्कूल खुल रहा है। आपका हॉलीडे में पूरा हो गया? मेरे थोड़ा सा रह गया, बस डिटेलिंग करनी है। विश्वन मम्मा का हॉलीडे में कंप्लीट नहीं हुआ ना, डांट मार रहा हूँ मम्मा। ठीक है विश्वन, क्योंकि गाइस हॉलीडे में तो मम्मा पापा का होता है ना, बच्चों का थोड़ा ना होता हॉलीडे में, है ना। बस थोड़ी सी डिटेलिंग रह गई है, वो करनी रह गई है, बस वो कर लूं फिर आपके साथ ज्वाइन करूंगी जो आपने बनाना है। और मेरी फ्रेंड की, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड कह रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है उसकी बेटी का। तो प्रीति इधरा, ओ इधर आना, अदर भी देखना बड़ा मजा आएगा। ये चुक के लेके आइयो अंदर, क्या ये उठा के लाइयो। अच्छा लंगड़ी लाइयो, छोटा मैं ले लिया दोनों, ला देख उठा लेगी। रहने दे पैर में ना मार लियो, लियो वो रहे मेरा नाम आ रहा पैर पे, ओ पागल मजाक मत कर, लग जाएगी पैर पूर पे पहले। ओए पागल होगी गाइस, देख रहे इसी लग जाएगी, मजाक नहीं है। रख रखता एक डंडा बिस्मन के लिए, एक डंडा अमित के लिए, जो आए ऐसे पीस डालूंगी इनको ऐसे। ऐसे कनाडा, ऐसे अमेरिका, ऐसे ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस अब हम शुरू करने लगे हैं, तो पूरा माहौल बनाएंगे, पापा का नाम लेके शुरू करेंगे। मैं पानी और सामान लेके आया और नीचे मैट करता हूँ, तो फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ गाइस। तो गाइस अब हम सॉल्ट डालने। तो गाइस अब हम पहले सारे पैकेट काट लेंगे, ठीक है। ये मग्स आ गए, मग्स इलायची काली मिर्च पूरा फैला देना ऊपर से। तो गाइस अब लाइए खसखास, अब डालिए खसखास, मेरी खसखास। तो अब हम शुरू करने लगे हैं शताब्दी बनाने के लिए। ये होता क्या है? ये पत्थर का होता है।
उसको तोड़ के ज्यादा रफ बनाया होता है ताकि इसमें हर चीज पिस जाए। अब ये मुझे पता नहीं किस चीज का, वैसे तो नीम का होता है क्योंकि ये भी घिसता है, हम इसको रगड़ते हैं ना तो ये भी घिसता है। और नीम जो होती है ना, कहते हैं नीम हमारी सेहत के लिए अच्छी है, पता नहीं नीम का है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, ये पुराना पड़ा हुआ था हमारे पास, ढूंढा मैंने इसको, बहुत ढूंढा मैंने गाइस। तो हम ये सारा कुछ डाल रहे हैं, ये डाला हमने सतनाम भाई को, श्रद्धाई होती है जो मार्केट से मिलती है ना, क्या बनी बनाई क्या श्रद्धाई जो ठंडाई होती है वो नहीं मिलेगी। पेप्सी पुप्सी छोड़ो, इसे ताकत भी आएगी, इसमें कितना कुछ डाला हमने, फिर इसमें शरीर के लिए अच्छी भी होती है और इसमें लू भी लगती है और ठंडक भी मिलती है। इसे दवाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं पास करके कि एग्जैक्टली ये बनता कैसे है। ये देखो, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, हमने सच कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पे मेहनत, हाथ दर्द हो जाते हैं, हैं हाथ दर्द हो जाते हैं, हाथ दर्द तो हो ही गई ना, हाथ दर्द तो हो जाते हैं, मेहनत करके कोई चीज बनाओगे तो वो तो उसका तो फल अच्छा आएगा। इसमें हमारा टाइमर लगा देंगे, एक घंटा बिजनेस आर्टिफिशियल जो मर्जी करी जाओ हैं, आए बाबा छोड़ बे, बिस्मिल्लाह ने टाइमर लगा दिया, कह रही चेक करूंगी कितनी देर में पिसती है। हां जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, ये पंजाब में ज्यादा बनती है, ये पीनी चाहिए ना ठंडाई, दिल्ली में नहीं बनती इतनी, दिल्ली में लोगों को ना रेडी टू ईट चाहिए कि मतलब रेड बुल नहीं, वैसे भी मैं बोलूं जैसे हम लोग ठंडा दूध बनाते हैं रोबजा डाल के ठंडाई बनाते हैं, या फिर वो आप एक और पीते हो ना सोडे वाली जैम, जैम आर्टिफिशियल है ना सारा, हां वो हम डाल लेते हैं क्योंकि इसमें भी पीसने में बहुत टाइम लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि बहुत छोटे खसखास को डालते हैं मेरे हाथ में। गाइस हालत हो गया बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइट का मतलब मेहनत करनी पड़ती है, इससे पता लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत है, क्या है क्या नहीं है। अच्छी चीज़ खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट ना एक घंटे से ऊपर हो गया और अभी भी ये चल रहा है, मुझे तो लग रही थी भूख तो मैं तो बना के ले आई हूँ चाय, इनकी अभी मेहनत जारी है, हम तो बस आखिर में पियेंगे जो भी बन के आएगा हम पियेंगे। चाय पियोगे ब्रेक लेके? चाय तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, थोड़ी सी चाय पी लो ना फिर, अभी ये पी लेना जब बन जाएगी, मेहनत करके पियोगे तो स्वाद भी ज़्यादा आएगा ना। जैसे ही गाइस देख रहे हो कि प्रीति लग रही है, उसके बस का कुछ है नहीं है, ये देखो नशा लड़ गया इसको। तो गाइस अभी रेडी हो गई है, गाइस आपने देखा है कितने पूरी पीती है, मैंने भी सी है सारी, हां सारी पीती, ये बस हाथ लगाने आ गए अपना करंट लेने के लिए जो हमेशा की तरह। अच्छा एक काम करते हैं गाइस, पहले मैं घुमाता हूं फिर प्रीति घुमाती है, आओ अपने कमेंट्स में बताना, मैं इतना घुमा दूं कि मेरे हाथ नहीं, आओ कमेंट्स में बताना। देखो अगर ये थके होते और इन्होंने कराई होती पहले ये तो इनका हाथ ना पास चलता नहीं चलता, देखो कितना हाथ पास चल रहा है क्योंकि फ्रेश है हाथ, और मैं आप देखो मेरे को देखो मैं कितनी थक गई हूं, हां सही से इधर घूम ही रहा, पकड़ने नहीं आ रहे तो नहीं करते, देखो ऐसे घुमाइए, ऐसे नहीं ऐसे हाथ रखते हैं और ऐसे करते हैं, आप समझ सकते हो कितने घुमाइए, इसका हाथ थका नहीं होता वो ऐसे, तो मैं इतना थक चुकी थी मेरे बाजू में इतना दर्द रहा था ना, तो अब मैंने अमित को कहा कि आप घुमाओ। तो गाइस अब ये रेडी हो गई है, अब हम पतीला रखो बीच में, तो पहले दूध नहीं डालना, इसके अंदर दूध डालते हैं, फिर कपड़ा उस दूध के ऊपर रख के उसके ऊपर डालते हैं, इंटेलिजेंट। ये देखो गाइस अब आप समझ सकते हैं किसने बनाई, मैंने बनाई क्योंकि मेरे को पूरी डिटेल पता है, ये आप देख सकते हैं ये कौन सा बिल्लू चाय वाला, कौन चाय वाला, चाय वाला। हाँ ये इन्होंने वही हंसकर दिखाई है, ये सपोले हैं मोटा सा, मजाक सेट के गाइस नहीं, बर्फ लिया मैं थक चुकी हूँ इसको घुमा के, गाइस बर्फ भी मेरे से मंगा रहे हैं, कपड़ा भी मेरे से मंगा रहे हैं, अब आप देखो अच्छी बात है, ओए टेबल पे पड़ा कपड़ा ला देना यार, तो प्यारा बच्चा है, इतनी मेहनत किया तूने, वो तो मैंने करी है, अभी पता है मैंने अपना होमवर्क, अभी मैंने अपना होमवर्क भी कम्प्लीट कर लिया, मैं बस इसके चक्कर में बैठी हुई हूँ, और जैसे मैंने होमवर्क उठाना ना इनका
ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है। मुझे सब आता है, बस ये लोग ना मेरी वो क्या बोलते हैं अहमियत नहीं है, अहमियत नहीं, मेरी वैल्यू नहीं समझते। ऊपर से चम्मच लेके आते हैं ना, रुक जाओ ना, पहले इतना डाल लो। मैं ये जो मेरा पानी था ना पीने वाला, जो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रहा था वो इसमें डाल के अभी इसको सारा साफ कर दूंगा। यार ये काली मिर्च में चिट्टी मिर्च डाली ना, ये मिर्च सीधा गले में आके लग रही है, मीठा कम है। मिर्च होनी चाहिए ऐसे, मिर्च ठीक है, अब मीठा कम है। मीठे के लिए हम ना इसी चीनी डालो। हाँ बूरा डाल देंगे चीनी का, तो बाकी का बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। ये भी ठीक है, वाह गुरु मजा आ गया गाइस, मेहनत सफल, बढ़िया हो गया, बहुत मजा आ गया। हाँ गाइस अच्छी तो है, बस थोड़ा मीठा कम है। हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे तो परफेक्ट है। थोड़ी सी इसको ना हम ठंडा पानी और डाल सकते हैं, ठंडा पानी डाल सकते हो, अभी दूध अभी डाल के, दूध ज्यादा है, थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे। तो गाइस आप भी घर में ट्राई करके देखो, सबसे अच्छी चीज है गर्मियों के लिए, बहुत बढ़िया। गर्मियों में तो सिर्फ ठंडाई की तो बहुत जरूरत, रेडीमेड मत लेके आओ गाइस, मत लेके आना, घर पे बनाओ, टाइम लगता है। जो नहीं कर सकता इससे वो मिक्सी में पीस ले, मिक्सी में पीस के छान सकते हो आप इसको, खसखास नहीं पीसेगी मेरे ख्याल से, या तो इनको पानी में भिगो लो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ऑल नाइट रखोगे ना तो अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करके तब आप ऐसे छान लो, क्योंकि सबसे अच्छी चीज है सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए आपको ठंडक पहुंचाती है। आजकल इतनी ज्यादा गर्मी है, बारिशें भी हो रही है बट ह्यूमिडिटी भी है, बट बहुत अच्छी चीज है, इनका ठंडक रहता है शरीर और गर्मी नहीं लगती। अगर एक चीज और अगर नहीं खाता गोंद तेरा जरूर है गर्मियों में, इस टाइम तो वो भी बहुत बेस्ट है। तो हम गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं और ये पिलाते हैं घर पे सबको, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा लगा, उनको अच्छा लगा नहीं लगा। तो गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और जिस जिसने बनाई है वो भी कमेंट्स करना, पी के हमें बताना कैसी लगी, ऐसी लगी आप लोगों को, क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, और जल्दी सब्सक्राइब करो, फुल ऑन कमेंट्स करो, मजा आ जाए, ताकि गाइस तब तक हम ये पीते हैं, छोले छोले बनाते हैं, तगड़े होते हैं, हाथ दोनों हाथ बड़े चिपचिप हो रहे हैं, और थोड़े से मैं इसे मीठा डालता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।